उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं गांव की जो थोड़ी सी समस्या है, यह जोड़ मैडम इसमें आज घोषणा कर जाना, इसमें चार दीवारी की चाहे 20 लाख लगे, चाहे 25 लगे, चाहे 5 लाख लगे, जो भी लगे, एक तो गांव का ये निवेदन है। दूसरी बात ये है, स्कूल में पूर्ण तरीके से स्टाफ रहे, कोई भी फैकल्टी का अध्यापक वंचित नहीं रहे, इस भाई एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं है हमारी स्कूल में माजरा डाकोड़ा में। दूसरा निवेदन ये है आपसे, साइंस फैकल्टी इस गांव में खुल जाए तो ये बच्चा बानसूर नहीं जाए, नहीं बहरोड बलडोज जाए, इनको यहीं पढ़ने की सुविधा मिल जाए। मैं निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैंने जो डिमांड रखी जो गलत नहीं है, सही है, बहन जी अभी कह रही थी शिक्षा को आगे बढ़ावा के लिए, यही हमारा निवेदन है। और छोटा मोटा रोड कोई रह गया तो उनको पूरा करें। धन्यवाद, राय अपना उद्बोधन दे सम्मान्य कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत जी। देव म्यूजिक कोटपुतली। अभी मेरे को मोर सिंह जी कह रहे हैं इनके तो वहां सीमा से टच कर दिया, मेरे तो गांव ही नहीं जोड़ा जग्गू के पास, पहले मेरे गांव जोड़ दे। तो वो बड़ा रोड जो दूसरी सीमा को सीमा से जोड़ता है, पिछले यहीं पर घोषणा करके गई थी, सुबह जल्दी आ गई थी, विधानसभा चल रही थी तो जोड़ दिया कि नहीं जोड़ा, काम चल रहा है, चल रहा है ना। मुंडावर बैरोड बानसूर तीनों जोड़ दिए माता दीन जी कह रहे। तो अब आप बताओ कि भी कौन सी गांव में काम करने में कसर छोड़ी, तुम्हारे गांव में तो ये कह रहे मेरा तो गांव रह गया। अभी अब क्या आपका नंबर है, फिर आपको दीवार बोलनी नहीं चाहिए थी, अपने गांव का रोड मांगते आप। जो मुनेश ने कहा, मुनेश ने जो कहा कि पढ़े, ये पढ़ेगा कैडी अन्न, तो मोबाइल पे खेलवा से फुर्सत कौन मिले, वाह यार वाह नेता नूर वाह फलानो नूर वाह यहाँ को नूर, ये टाबरिया कैडी पढ़ेगा। मैंने वहां भी कहा था गांव में, बहुओं बेटियों पढ़ाओ, अच्छी बात है पढ़ाओ, छोरे भी पढ़े, लेकिन थोड़ी जांच कर ले वो करो, कैडे जा रहा है, कितना बजे आ रहा है, कितना बजे जा रहा है, ये तो फर्ज आपका है सबका पूछने का। हम तो काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो मासी जी ने अभी कहा, मुझे शर्म आती है कि गांव का आदमी अनपढ़ आदमी, भाई 10 जने बस रहे हैं, नदी में बस रहे हैं, पहाड़ में बस रहे हैं, नाले में बस रहे हैं। मेरे को आज 95 से इतने साल हो गए, 25 साल मैंने आज तक कभी भी, चाहे वोट दिया नहीं दिया, चाहे मेरे खिलाफ कोई गाली बके, चाहे मेरे को कितना भी गंदा बोले, मैंने आज तक एक भी आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। क्यों करूं, किसके खिलाफ करूं, कोई बालक भी कितना भी गंदा बोले, मैंने एक शब्द आज तक उसके खिलाफ या कभी रिपोर्ट दर्ज कराना ऐसा काम नहीं करा। पर मुझे जब शर्म आती है गांव का आदमी अपने खुद का, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, केस सड़क है, को घर टूटनो चाहे, को घर ना रहनो चाहे, चाहे मेरे तो सारो बिक जाए जमीन खेत, ये क्या है ये। औरतें तक, औरतें और उन्हें शिकार कुन ले जाए, थम ही तो ले जाओ उसको सिका शिकार, उन्हें चालो ऊंडे वहां जाके, एको तो बचनो ही ना चाहे, खेत की सिरसूर खेत गी हुए सारा बर्बाद होना चाहे, आपस में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए तुम वकील कर रहे हो। अरे इतना पैसा कोई समाज का भला के लिए करो, कोई टाबरा ने पड़ाबा खातर करो, कोई मंदिर में लगाओ, क्यों बताओ। शकुंतला कौन से कुएं में कूदे, कोई भी जाए, गलत की सिफारिश मैं करती नहीं हूं, नाम ही नाम होता है, या आइया करो जे तो या आइया करो जे, या आइया दारी का ने आइया कर दे, दारी की ने अब के घुसबा दे गांव में, आइया ना कर दे तो क्या है, कौन सा गुनाह करा बताओ, किसका मैंने पूरा कर दिया, एक शब्द भी नहीं बोलती कुछ भी, सारी चीजों को
पी जाती हूँ, मेरी चिता के साथ ही जलेंगी सारी बात, चाहे कोई की बहन हो, भाव हो, बेटी हो, कहीं भी गई हो, मैंने आज तक कोई एक किसी को शब्द नहीं बोला गांव में, चुगली करने का काम नहीं किया। और तुम मर्द और चुगली करो सो, मैं बीरबानी और कौन करूं, बताओ मैं कौन सा गुनाह करती हूं। खुद लड़ते हैं, खुद आपस में करते हैं, बीरबानी उनकी लुगाई बहन, उनकी माई बहन, उनकी दादी बहन दोनों, और फिर तुम ऐसा कर रहे हो, और फिर क्या एक शकुंतला यहां से, अरे मेरे तो देवताओं को पता हो, जब पड़े से जब खानी खत्म हो जाए बिगड़ जाए से खेल, मैं तो हाथ जोड़ जोड़ रखूं जो भाई ऐसा मत करो। कोई भी है आज मुझे मंच से कहते हुए, मंच पे बैठे मेरे सामने बैठे लड़के भी बैठे, महिलाएं भी बैठी हैं, कोई महिला पहली कुआं पर नहाई थी बीरबानी, घर में नहाई थी, गेट कोने होता था, दरवाजो कोने होया करे सो, मैंने भी आज 20 साल 25 साल होगी गाँव में डोलता गलियां गलियां, रात के सुबह से रात के 12 बजे तक 1 बजे तक की ड्यूटी देती हूं मैं। रोजाना गांव का मैटर है, आज फलाना बहू, फलानी बेटी, फलाना बहू फोटो खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्यों कुछ कर रहा है, पहली आया कोई निकले जो बाण बेटी नारी होती तो आया मुंडो मोड़ ले, चाहे बूढ़ा बड़ा भी जवान भी, आज मुझे शर्म आती है कि मोबाइल पे रील बनाते हैं, परिवार के बनाते हैं, रिश्तेदार बनाते हैं, क्यों भगवान के मंदिर में ढोक खाते हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कौन सा भगवान, जब तुम मां और बहन बेटियों की इज्जत मोबाइल पर रील बना रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, अगर ज्यादा ही रील बनानी है तो अपनी मां को खड़ा करके पहले उसकी रील बना के लाओ, शर्म आती है मुझे। कल मेरे पास 70-80 साल का बूढ़ा रोने लग गया मेरे सामने, मुझे इतना दुख हुआ कि ये देखिए क्या हो रहा है, क्या करूं मैं बताइए क्या करूं, इन छोरों के मोबाइल पे एक पे डाले को छत दूसरा पे डाल दे, अरे कि मैं डालना चाहे तो पढ़ाई की बात डालो, अच्छे गुण डालो, माँ बाप की सेवा का डालो, अपने घर परिवार समाज का, पूरे गाँव में पहले 36 कौम की भाण बेटी जाती तो उन्हें 1 रुपयो तो दिया ही करे, चाहे गरीब आदमी भी, आज जितना ऊंचा होता जा रहा है जितना ही तुम्हारा दिमाग नीचे गिरता जा रहा है, क्यों घुस रहे हो इन मोबाइलों में, बेटी हो चाहे बहन हो चाहे पत्नी हो शादीशुदा महिलाएं हो, जैसा भी होता है अपना घर, अपना माँ, अपना बाप और अपना पति, अपना सास ससुर, उससे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। लालच देगा, लोभ देगा, तुमको बहलाएगा, फुसलाएगा, सारी सहूलियत देगा, लेकिन जिंदगी में सुख चैन कभी नहीं देगा, वो कभी नहीं देगा। आप पढ़ने जाएं, कहीं भी जाएं, कैसी भी तुमको जरूरत पड़े, लड़के और लड़कियां बहुएं, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। एक तो फांसी लगा लगा नहीं मरे, ये सारा जो सिस्टम ऐसा खराब हो रहा है, इसके लिए मैं तो कह रही हूँ कम से कम 20-25 आदमी, एक सारे जने सब जने मिलके, ये मत देखो या फलानी पार्टी को छह या ढिकाणी पार्टी को छह, अरे गांव माता को छह, धरती माता में ही मिलोगे, धूल में जड़ के 1 मिनट भी नहीं लगेगी, तो कम से कम इतना तो सुधार अपने आप में कर लो तुम। मैं तो तुम कहोगे जो करने को तैयार हो, पर तुम मर्द भी तो सौगन ले जाओ आज मंदिर में, हम कहें आज के बाद कोई किसी गांव में शिकायत नहीं होने देंगे, बांट बांट करो तुम कुछ ना पार पड़ रही तो, महिलाओं पुरुष महिलाओं को कौन उकसाता है, महिला की हिम्मत नहीं है वो घर से बाहर जाकर के कुछ भी काम करे, पीछा से कहेंगे जब दायरी का क्या यहां कर दे, दायरी की ना यहां कर देगा, तो ये क्यों तुम आगे करते हो, भाई भाई में लड़ाई हुई है, सगे में बीच में से डंडा कर लिया, और रिपोर्ट में नाम किसका लिखवाते हो, बेटे की बहू का, अपनी बेटी का, क्यों वो महिला नहीं है क्या, वो महिला नहीं है, नाम लिखाने वाला कौन होता है, गांव का आदमी होता है, घर का आदमी होता है, परिवार का होता है, तुम्हारा रिश्तेदार होता है, क्या उठा रखा है ये उड़दंग सी, सच्चाई सुनने में तुम्हारे थोड़ी सी वो लगता है, किसने लिखवाया नाम महिलाओं का, क्यों देते हो। अभी 3 दिन पहले पीपल के पेड़ पे डाली हूं डंडा के पीछे चली गई, भाई की बहू को नाम लिखा दिया, बेटी का नाम लिखा दिया,
कहें तो अरे मैडम ने बीरबानी को नाम कटवा दियो, नहीं तो हम दारिका ने बर्बाद कर देता है, या मैं तो केस लगा दियो बलात्कार को। अरे क्यों लगा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? फिर कहते हो मैडम मैडम, अब तू मैडम मैडम कौन से कुएं में कूद जाए, मैं नहीं बता दो मैडम ने कौन सा गुनाह कर दिया, कोई गलत बोल दिया, कुछ गलत काम कर दिया हो। कम से कम 20 केस है, 20 हर महीने, सबको पता है, अंदर अंदर से सबको पता है ये क्या है ये। मासी जी ने मुझे कहा कि शकुंतला या ना होना चाहे या मर जाएंगा रहे या करे, अरे ये भी सोगन खा के जाओ आज कि आज के बाद एक शिकायत नहीं करेगा। ये तो कहो, खुद भी तो लेके जाओ, कुछ तो प्रण ले आज। मासी जी ने कहा मैं चलो जाऊंगा और यूक्रेन मर जाऊं, इस्तीफो दे दूर, ये कर दू। अरे ये तो हर कोई कर दे, पर कि मैं सुधार भी तो करो, तो तुम खुद ही नुख दो, मैं आज के बाद ना करूंगा यार काम कोई, वो तो नहीं करेंगे। आज अब बात चल गई तो मैंने बात कह दी, नहीं तो काम की घोषणा कर दे, ये कर दे वो कर दे, और फिर भी क्या करेंगे। घर से बाहर निकला, दारी की ना अब क्या बात है, ने मंत्री बन गए ना रार ना का धा, तो अब क्या करवा दे यहाँ। अरे यार दारी की के कर दियो थारो, मैंने या तो बता दो कौन सा बानसूर का बुरा किया, कौन सी कौम का बुरा किया मैंने, कौन से पक्ष विपक्ष का भी नहीं नापा, किसी का बुरा नहीं किया मेरी नजर में मैंने। अब तुम्हारे तो दिमाग में बिर के कूड़ो कचकड़ भर जाए, वहां उंडे कौन गई, नहीं तो अहिया हो जाते वहां उंडे ना गए, कैडे कौन बना बाड़ो छो थम साग बैची। और ये आज मुनेश ने जैसे कहा, तुम डॉक्टर बन रहे हो, LDC बन रहे हो, UDC बन रहे हो, डिप्टी बन रहे हो, RS व रेखा बानसूर में लग रही, किसकी बदौलत बन रहे हो, आरक्षण की बदौलत बन रहे हो। दूसरी पार्टी ने क्या दिया था, कर्नल किरोड़ी जी ने 2 बार आंदोलन किया, 2 बार क्या किया दूसरी पार्टी ने, सिर्फ और सिर्फ जो बहन है उसकी राखी खोई, औरत के मांग की सिंदूर मिटाई। अरे कहना सुनना आसान है लेकिन जिसकी सिंदूर मिटती है उसको पता है कितना दुख होता है, जिस मां का लाल जाता है उसको पता होता है 70-72 का मरना आसान काम नहीं है। अपने घर में एक जवान मर जाए गांव में तो मां अहिया की रोज, मैं भी मां हूं, अरे मेरे हाथी दिखे से मैंने चौक में डोल तो मैडम लेर को न्याई साथ, अरे मैडम मेरो हीरो तुम कैसे भी हो जाए पर जवान लड़के तुम अपनी माँ के लिए हीरो हीरो, उसकी माँ का कलेजा हो तुम, जो मोटरसाइकिल चला धम पड़ो सो कहते मरो सो या करो सो क्यों रो सो। और अब फिर अब जब दोबारा आंदोलन किया तो अशोक गहलोत जी ने 1% भी, अशोक गहलोत जी ने दिया और 5% भी दिया, जिसकी बदौलत हजारों कर्मचारी आज नौकरी कर रहे हैं। किसकी बदौलत कर रहे हैं, आरक्षण की बदौलत कर रहे हैं। मैं और मुनेश हैं हम भी इसी बदौलत हैं। और अब एक ये जो एक्सीडेंट हो जाते हैं फिर भामाशाह उस टाइम बनता नहीं है, 850 रुपये जमा करा के ई मित्र पे सब जुड़ जाओ, एक्सीडेंट में भी 5 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट है और 10 लाख तक का बीमारियों का है सिर्फ 850 में, 850 रुपये। तो ऐसी योजना जो है ये इतनी सराहनीय काम किसने करा, अशोक गहलोत जी ने करा है। वो कौन सा छाती पे धर के ले जाए, वो सुविधा तो अपन को ही मिलेगी ऐसा कानून बनाने से, नहीं कर जो ले रहा हो जो खैरतल जार बाणिया कैसे, बानसूर जार बाणिया कैसे, कोई के एक्सीडेंट हो जाए तो, कोई बीमार हो जाता है तो ये अच्छी बात है, मेले भरे सब कुछ होए, पर तुम तुम्हारा मेला ने तो सुधार लो। मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है, मेरे तो किम करो जो कर दीजो, मेरे को तो कोई चिंता नहीं, पर तुम मेरे को तुम्हारी चिंता है कि तुम हो क्या रहा है। फोन ना पे है यहाँ 2-2 घंटा, अरे के कौन सो बिजनेस हो रहे हो से थारो, फोन ना पे फोन ला लार दे दे इतना बड़ा बड़ा के इनाम मिल रही है जो मैं और मुनेश यहाँ, मुनेश भी पढ़ी लिखी है तभी ये बात कह रही, नहीं तो क्यों कहती, सही कह रही है। अरे यहाँ पर 2 ही सैन कोने हुए मंच पे बैठा तो घना बैठ जाएंगे तो ये बिर ना के कर देंगे पीछे, तो कहेंगे और गाँव में ही ना बढ़नी चाहिए बीरबान बीरबानी तो यहाँ कर देंगे पीछे। अगर ये जोड़ा इसका पट्टा है सरकारी डॉक्यूमेंटली अगर ये पूरा है
हाँ अगर जोड़े में ही है तो होगा नहीं, फिर कह दोगा पिछली बार मैडम खैर गई छी रही कोने हुई और मैया कोने हुई। तो जोड़ के डंडा होने की शायद प्रक्रिया है या नहीं है नियमों में, ये सरपंच और पटवारी जो भी है कागजों में किस तरीके से, बाकी विकास के काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सारे रोड एमएलए लेड से बनाए हैं अपने जितने भी हैं, कोई काम में कसर नहीं छोड़ी। स्कूल ऊपर है ना नाथूसर लोज मालेरा मेहर की डाणी वहां तक ऊपर तक सारी स्कूल क्रमोन्नत कर दी कि ये फट जाए कोई तरह से बालक, ये कोई स्कूल नहीं छोड़ी। सब्जेक्ट करना हो, सड़कें बनानी हो, नगर पालिका डिप्टी ऑफिस अस्पताल अब बड़ा बना दिया, ट्रोमा वार्ड बना दिया, खेल स्टेडियम बन जाएगा बांसुर में, काम की कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पर मेरे तो काम तो काबू में आ जाए पर मेरे थमी काबू में कौन आ रहा, बस यही की बात गड़बड़ हो रही थी। आएंगे अब एक एक गांव में, अब मैं ये बता रही हूं कि काबू से बाहर ये है कि आप गांव में सारे जने केस नहीं करेंगे। आज ये सौगन ले जाओ, केस ना करोगे आपस में भाई, ये बात कह रही हूं मैं, इसमें काबू से बाहर हो तुम, केस मत करो आपस में भाई भाई लड़के लुगाइन पे बलात्कार को केस मत लगाओ, बहन बेटीन पे मत लगाओ, 14 साल की बच्ची पे कल लगाया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का भी। मेरा काम काम करने का काम है, मेरा काम है काम करने के, सड़क है, स्कूल है, बिजली है, पानी है, पानी की अब सारी करोड़ों की योजना दे दी वो साथ है। मैं तो यूं कह रही हूं कि तुम कम से कम आपस में 20 जनों की कमेटी बना लो, एक तो बहू बेटियों के खिलाफ केस नहीं करेंगे, एक आपस में वैसे केस नहीं करेंगे गांव में, और फिर मेरे ऊपर और कह देते हैं वो अनकरो वानो, और दोनों पक्ष ही कहेंगे शकुंतला रावत कर रही है। अगर झोड़ में बाउंड्री कर सकते हैं तो नियम से, तो मैं इस चार दीवारी की घोषणा करती हूँ यहाँ पर बना। और मोर सिंह जी मेरी तरफ देख रहे हैं, इनके गांव की सड़क का काम भी साथ ही चलेगा, जग्गू कबास की सड़क की भी घोषणा करती हूँ, और उसकी साथ में बगल वाली ढाणी है बिस्ना की ढाणी, तो अब इतनी ढाणी है 200-250, तो धीरे धीरे करके सबका कर रहे हैं। पुनः कुछ ज़्यादा एकदम जब रात को जब कोई बुजुर्ग जाके रोते हैं, जब कोई बहन बेटी की जब इज्जत आती है तो आत्मा दुखी तो होती है थोड़ी बहुत, इसलिए मैंने ये बात बोली। कुछ आपको गलत लगी हो तो मेरे शब्द वापस दे देना। कालस देव भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, सुख और शांति रहे बांसुर में, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ये टड़ाटक लड़ाई दमड़ा ये कम करें, इसीलिए उन्हें आप सभी का जो स्वागत सत्कार किया। मुनेश को मैं समय निकाल के यहाँ लेके आई, मैंने कहा आ जा भाई। मुनेश बोली मेरे तो गांव है, मेरे घर है, तो बड़ी खुशी की बात है कि अपनी बेटी एक शानदार पोस्ट पे, एक राजस्थान की शान है, आपके माजरा ढाकोड़ा की बांसुर की लड़की पूरे राजस्थान की शान है, आपको और हमें मुझे भी गर्व है। गर्व होता है जब हम दोनों एक साथ जाते हैं तो, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं तो ये मानती हूँ भाई हमें जो सम्मान दिया है कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया है, मैं आपके साथ कभी भी किसी भी काम में पीछे रही नहीं और आगे भी नहीं रहूंगी। धन्यवाद, राम राम सब। धन्यवाद मैडम जी, बैठे रहो 2 मिनट के लिए। आज मैडम ने इस मंच के माध्यम से इस बाबा के इस आश्रम की चार दीवारी की घोषणा और साथ साथ हमारे गाँव का रोड की घोषणा पहली बारी दे रही है हमारे को, तो पैसे हमें 10 साल हो गए इनको लगातार वोट देते हो। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी खाना खाकर जाएंगे, कोई भी बिगर प्रसादी लेकर नहीं जाए। मैडम जी आप भी प्रसादी लेकर जाएं, कार्यक्रम चलेगा अभी थोड़ी देर चलेगा, आप बैठे रहो मेरा निवेदन है पुनः आपसे, आप यथास्थान बैठ जाएं।